क्या बात है महादेवी? आपके इन सुंदर नैनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही हैं? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? यदि कोई शिल्पकार की बनाई मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करे तो क्या उसे तनिक भी दुख नहीं होगा? यदि कोई चित्रकार अपना चित्र किसी को उपहार में दे दे तो उस चित्र को संभालना उपहार पाने वाले का कर्तव्य है। कोई शिल्पकार अपनी मूर्ति किसी को भेंट दे दे तो उस मूर्ति की देखभाल करना भेंट पाने वाले का कर्तव्य है। वैसे हम समझ गए कि आप पूछना क्या चाहती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। लगता है आप हमारी धरती पर घटने वाली घटनाओं से पीड़ित हो उठी हैं। हाँ पद्मनाभ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों मचा है ये हाहाकार? प्रेम बनाया था तो घृणा क्यों बनाई? जो हो रहा है, हो सकता है वो वही हो जो स्वयं विधाता ने लिखा हो, और अपना लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। हो सकता है कि ये मानव की परीक्षा हो, उसके कर्मों की परीक्षा हो। पर ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है? तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ ना आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? हमने मानव को बनाया है देवी, मानव इतिहास को बनाने का कार्य हमने अपने हाथों में नहीं रखा, वो तो उसी पर छोड़ दिया है। अभी तो उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ। इसी से उसे न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप और पुण्य की जानकारी भी होगी। हमने बुद्धि दी है मानव को, विवेक दिया है उसे। और यदि मानव ने विवेक से कार्य नहीं किया तो? यदि धरती पर रात्रि इसी प्रकार दिन को निगलती रही तो? अंधकार प्रकाश को डसता रहा तो? तब क्या करेंगे आप? चिंता मत कीजिए देवी, यदि असत्य और अधर्म अपनी सीमा को पार कर गए, यदि धर्म की हानि होने लगी तो हम स्वयं धरती पर जाएंगे। हम वचनबद्ध हैं, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपनी लीला तो आप ही स्वयं जानते हैं पद्मनाभ।